हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, नित कृषि क्रिएशन में आपका स्वागत है। और अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये वाले सॉक्स बनाएंगे। ये बचा हुआ फैब्रिक था मेरे पास थोड़ा सा, तो उससे ये बनाया है। अंदर में हमने इसमें टी शर्ट का कपड़ा लगाया है। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, तो चलिए फ्रेंड्स इन्हें बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए कपड़े से सॉक्स बनाएंगे। तो लंबाई ली है इसकी मैंने 11.5 इंच और चौड़ाई ली है इसकी 10.5 इंच। लेनी है हमने अपने पैर का अंगूठे से लेके एड़ी तक की लंबाई, इस तरह से नाप लेना है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। मैं अपने पैर की जहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है वहाँ से गोलाई नाप लेनी है, उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा रख के मार्जिन के लिए ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसके लिए टी शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, तो इस पर हम इस तरह से रखेंगे, हम सेट कर लेंगे इसे। तो देखिए हमने इस तरह से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसे लंबाई में इस तरह फोल्ड करेंगे 11.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करेंगे, तो हमें इसका हाफ लेना है 5.5 इंच, और हमें इस तरह से हमें 1.5 इंच की गहराई देनी है। इसे यहाँ से गोलाई देके इस तरह से हम दूसरे वाले पे भी कटिंग कर लेते हैं इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे स्टिच कर लेते हैं। हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसकी गोलाई पर हम यहाँ पे कट लगा देते हैं इस तरह से। हमने इसमें कट लगा लिया, अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस साइड भी इस तरह से लगा लेते हैं। इस तरह से इलास्टिक डालनी है कि हमें यहाँ से यहाँ तक हमें जितना भी है उससे 2 इंच छोटी रखनी है। तो हम इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसमें पिन डालेंगे, इसे भी डालते हैं। अब हम इस इलास्टिक को यहाँ से स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें दोनों साइड से इलास्टिक डाल दिए। अब हम दूसरे वाले में भी डाल लेते हैं इस तरह से। अब हमने दोनों में इसमें इलास्टिक डाल के कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे, और अब हम यहाँ से भी एक सिलाई लगा के इसे बंद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। हम इसको इस तरह से सेंटर में एक कट कर लेते हैं। मैं इस तरह से इसे रखेंगे। अब यहाँ हम इस तरह से यहाँ अंगूठे का निशान देंगे। मार्क हमने कर लिया है, इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेते हैं। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सॉक्स बन गया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने भी बनाइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।